Hello friends, how are you doing today? I am Bhavesh from OPTRON Academy, and in this video we are today going to learn search engine optimization. Now, as you all know that search engine optimization is becoming complex. Pehle ek time hua karta tha jab aap kisi bhi website ke pages pe uske title mein keywords dal do, description mein keyword dal do, thoda sa content ko optimize kar lo, backlinks create kar lo, तो आपकी वेबसाइट फर्स्ट पेज पे रैंक होना शुरू हो जाती थी। धीरे धीरे गूगल ने अपने एल्गोरिदम में बदलाव लाया और जिसकी वजह से वेबसाइट को फर्स्ट पेज पे रैंक करना डिफिकल्ट होने लगा। इसलिए मैंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और एसईओ की जो ट्रेनिंग शुरू की है उसमें मैं आपको बहुत सारी जो टेक्निक्स है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, जिसमें आप अपने वेबसाइट को फर्स्ट पेज पर लेके आ सकते हो, गूगल के फर्स्ट पेज पे लेके आने के लिए जो भी एसईओ टेक्निक्स आपको यूज़ करनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको मेरे वीडियोस में आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो सी एज आई सेड कि एसईओ सीखना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन एसईओ का जो प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स है, लेकिन क्योंकि हर एक तरह की वेबसाइट के लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जो स्ट्रेटेजी है वो बदलती रहती है, प्रोसेस सेम रहेगा लेकिन उसकी जो स्ट्रेटेजी है, उसकी जो टेक्निक्स है, उसमें बदलाव लाना ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए अगर मैं आपको सिर्फ एक बुक दे दूँ या फिर आपको मैं एक ब्लॉग की लिंक दे दूँ, ये आपको समझने के लिए और सीखने के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप मेथड से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखेंगे। जैसे आप जानते हो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है गूगल में हमारी वेबसाइट को एक पर्टिकुलर कीवर्ड्स के लिए फर्स्ट पेज पे लेके आना। अब उसके लिए हमारे पास पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि हमारी वेबसाइट एसईओ फ्रेंडली होनी चाहिए। दूसरा, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जो वेबसाइट है वो किस पेज, किस कीवर्ड के लिए रैंक करनी चाहिए। लेकिन एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट ये हमारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मैं आपके सामने एक वेबसाइट दिखा रहा हूँ, 920pm.com। ये वेबसाइट एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जो मैंने खास अपने एसईओ ट्रेनिंग के लिए क्रिएट की है। तो स्टेप बाय स्टेप ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा कि एक एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है, किस हिसाब से आप वेबसाइट के अंदर ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो, ये चीज़ें आप सीखेंगे। तो जो भी बातें मैं आपके साथ में आज शेयर करने वाला हूँ उन बातों को आपको ध्यान से सुनना होगा, समझना होगा और उसके बाद में आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो उन लोगों के लिए जिनको वेबसाइट के बारे में लिमिटेड नॉलेज है या फिर उन्हें ये नहीं पता कि वेबसाइट क्या होती है, उन्हें मेरा और एक वीडियो है वेबसाइट के ऊपर कि हाउ वेबसाइट्स आर क्रिएटेड एंड फंडामेंटल्स ऑफ वेबसाइट, वो पहले देख लेना चाहिए, उसके बाद में उन्होंने जो मेरा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ये वाला वीडियो ये देखना चाहिए। सो इफ़ यू लुक एट टू दिस, दिस इज़ माय वेबसाइट 920pm.com। नाउ दिस वेबसाइट इफ़ यू लुक एट टू इट, इट इज़ बेसिकली क्रिएटेड टू सेल वॉचेज ऑनलाइन। तो इस वेबसाइट में URL इसका यानी डोमेन नेम है 920pm.com और ये इसका होम पेज है वेबसाइट का, जिस पे अगर आप देखो तो होम पेज पे पॉपुलर वॉचेस और बाकी अलग अलग वॉचेस दिख रही है। दो मेन्यू है, एक वॉचेस फॉर मैन और वॉचेस फॉर वुमेन। जब मैं क्लिक करता हूँ वॉचेस फॉर मैन पे तो एक पेज ओपन होता है जिसमें वॉचेस फॉर मैन ये सारी घड़ियाँ लिस्ट हो रही है। सो नाउ जैसे अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इस वेबसाइट का ये जो पेज है वॉचेस फॉर मैन, इसका मेन कीवर्ड क्या होगा, वॉचेस फॉर मैन। सो अब देखिए यहाँ पे टाइटल में बाय वॉचेस फॉर मैन ऑनलाइन एट लोएस्ट प्राइस इन इंडिया, ये इसका टाइटल है। यानी मैंने इस पेज पे वॉचेस फॉर मैन ये कीवर्ड यूज़ किया है एंड आई हैव यूज लॉन्ग टेल। लॉन्ग टेल का मतलब ये होता है कि वो जो कीवर्ड होगा उसमें
जो सर्च क्वेरी होगी उसमें तीन या तीन से ज़्यादा कीवर्ड्स का कॉम्बिनेशन होगा। अब मैं आपको बता दूँ लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल और जो शॉर्ट टेल होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। देखिए, जब शॉर्ट टेल कीवर्ड है, जैसे वॉचेस फॉर मेन, सिर्फ इतना ही है, उसको अगर आप सर्च करोगे गूगल में तो उस कीवर्ड के लिए ऑलरेडी आपको बहुत सारी वेबसाइट रैंक करती हुई मिलेगी और उस कीवर्ड के लिए आपके वेबसाइट को रैंक करना डिफ़िकल्ट होगा। तो आप अगर देखो तो लॉन्ग टेल कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड में कैसा है, बाय वॉचेस फॉर मेन ऑनलाइन इन इंडिया एट लोएस्ट प्राइस, इस तरह से ये डाला हुआ है। यानी अगर कोई इस तरह से कॉम्बिनेशन डालता है वॉचेस इन इंडिया और बाय वॉचेस फॉर मेन ऑनलाइन और बाय वॉचेस फॉर मेन ऑनलाइन इन इंडिया, तो उन कीवर्ड के लिए मैंने इस पर्टिकुलर पेज को ऑप्टिमाइज़ किया, क्योंकि वॉचेस फॉर मेन इस कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज़ करना डिफ़िकल्ट था। इस वेबसाइट पे बहुत सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज़ की गई है, कुछ चीज़ों को मैंने जानबूझ के बिगाड़ के रखा है ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि वेबसाइट पे क्या मिस्टेक्स होती है जिसकी वजह से उसकी रैंकिंग नहीं होती। तो ध्यान से सुनिएगा और इस चीज़ को देखिएगा। जैसे मैंने अपने एक जो बुक है SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सिंप्लीफाइड, उसमें मैंने वेबसाइट की स्ट्रक्चर के बारे में बात की है। तो ये होम पेज है, होम पेज से सिर्फ दो ही मेन्यू क्रिएट किए गए हैं और ये दोनों मेन्यू अलग अलग पेज को लिंक किए गए हैं। तो ये सिचुएशन में अगर मैं देखूँ तो ये वेबसाइट का स्ट्रक्चर और इम्प्रूव करें तो इसकी रैंकिंग और भी कीवर्ड्स के लिए इम्प्रूव हो जाएगी, ये कर सकते हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर SEO फ्रेंडली नहीं है तो आपकी वेबसाइट को रैंक करने में दिक्कत होगी। अब मैं इस वेबसाइट का एक कैटेगरी पेज है अरमानी करके, तो इसको मैं देखता हूँ। यानी ये भी ऑप्टिमाइज है, इसका टाइटल अरमानी वॉचेस प्राइस इन इंडिया। तो आप बोलोगे ये टाइटल क्या है, ये H1 क्या है, URL क्या है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में शामिल है। दैट मीन्स इन SEO व्हेन यू डू ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन यू नीड टू कंसीडर ऑल दीज थिंग्स। तो मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ कि जो आपने कीवर्ड चूज़ किया, जैसे ये मेरा पेज है अरमानी, सो फॉर दिस पेज माय कीवर्ड इज़ अरमानी वॉचेस और अरमानी वॉचेस प्राइस इन इंडिया। सो माय URL सेज अरमानी वॉचेस, दैट इज़ गुड। देन अरमानी वॉचेस प्राइस इन इंडिया बाय अरमानी वॉचेस ऑनलाइन, सो दिस इज़ ऑप्टिमाइज फॉर कीवर्ड लाइक अरमानी वॉचेस ऑनलाइन एंड प्राइस इन इंडिया। If you look at to this part, this is H1 और उसका content। तो on page में अगर आपको देखना है तो आप पेज के source code को देखिए। source code में it is mentioned that in title there is Armani watches, ये keyword है, और buy Armani watches online, यानी Armani watches का keyword है। तो this page is proper। हो सकता है कि मैं इसके अगर टाइटल को थोड़ा और इम्प्रूव करूं तो रैंकिंग इम्प्रूव हो सके। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में बाय लेटेस्ट एम्पीडियो अरमानी वॉचेस ऑनलाइन इंडिया एट बेस्ट प्राइस सिलेक्टेड फ्रॉम वाइड रेंज ऑफ वॉचेस अवेल फ्री शिपिंग एनीवेयर इन इंडिया। तो डिस्क्रिप्शन मेरे ख्याल से और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो H1 टैग देखते हैं, कंट्रोल F करके देखिए H1, आपको यहाँ पे H1 दिखेगा। तो ये जो टैग है ये सिर्फ अरमानी लिखा हुआ है। अब अरमानी वॉचेस और लिस्ट ऑफ अरमानी वॉचेस ये अगर होता था तो ये पेज लिस्ट ऑफ अरमानी वॉचेस के लिए भी रैंक कर सकता था, बट दैट इज़ फाइन, इट्स ओके। नाउ लुकिंग फॉर अरमानी वॉचेस एट लोएस्ट प्राइस, दिस इज़ योर स्टॉप टू गेटिंग the latest collection of Armani watches at reasonably low prices. Buy now and pay later COD EMI options. अब ये जो यहाँ पे इस पेज के ऊपर लिखा हुआ कंटेंट है इसको और थोड़ा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि
ग्रामेटिकली इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो करेक्शन कर पाएंगे। उसके बाद अगर मैं देखूं पूरे पेज को, तो ये पूरा पेज में कंटेंट यहाँ पे ये सारी घड़ियाँ हैं और देयर इज़ नथिंग, यानी ये पेज पे कंटेंट की थोड़ी कमी लग रही है, इसलिए शायद ये पेज रैंक ना कर पाए। ठीक है, नाउ लेट अस गो टू नेक्स्ट पेज, डीजल। ऑलमोस्ट सेम, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, लुकिंग फॉर रीजनेबली प्राइस डीजल वॉच। अगर आप देखो इसके टाइट कंटेंट को, तो जनरली इंडिया में इस तरह से सर्च क्वेरी नहीं करते लोग, लोएस्ट प्राइस या चीपेस्ट यूज़ करते हैं वर्ड, जो वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं किया है, जिसकी वजह से शायद ये वेबसाइट उस सर्च क्वेरी के लिए ट्रैफिक ना ले पाए। वैसे भी अगर ये वेबसाइट को देखो तो दिस इज़ फॉर प्रीमियम वॉचेस, तो यहाँ पे चीपेस्ट एंड लोएस्ट प्राइस का कॉम्बिनेशन यूज़ करना लॉजिकली तो सही नहीं होगा, लेकिन जैसे हम लोग अगर ट्रेनिंग एंड लर्निंग पर्पस के लिए देख रहे हैं, तो यू कैन इवन कंसीडर दैट यूजिंग। तो कीवर्ड का कॉम्बिनेशन मैं आपको समझा रहा था कि किस तरह से काम करता है। सेम थिंग, दिस पेज इज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रॉपर कंटेंट। तो जब हम बात करते हैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन की, तो आपको उस वेबसाइट को जिसको रैंक करना है, उस वेबसाइट को पहले स्टडी करनी पड़ती है कि जैसे उसका स्ट्रक्चर ठीक है या नहीं है, और उसके अंदर और ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो और इम्प्रूव कर सकते हैं, उसका इंटरनल लिंक स्ट्रक्चर होगा, उसका मेन्यू स्ट्रक्चर होगा, उसके अंदर दिए गए प्रोडक्ट्स है, उस प्रोडक्ट के जो फाइनल पेजेस है, उस फाइनल पेजेस का ऑप्टिमाइजेशन ठीक से है या नहीं है, उसका जो URL है वो URL में कीवर्ड्स ठीक से है या नहीं है, उसके बाद में जो फाइनल पेज है प्रोडक्ट का, उसके ऊपर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ठीक से डाला हुआ है नहीं है, या डाला हुआ है उसमें कीवर्ड्स को ठीक तरह से यूज़ किया है कि नहीं, उस जो पर्टिकुलर पेज है उसके ऊपर नंबर ऑफ यानी जो कंटेंट होना चाहिए वो कितना बड़ा है, तो ये सारी चीज़ों को आपको पहले एनालाइज करना पड़ता है। और ये जो एनालिसिस हम लोग बोलते हैं, इसे हम लोग SEO ऑडिट कहते हैं। तो SEO ऑडिट में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है, तो मेरा एक SEO ऑडिट का आर्टिकल भी है मेरे ब्लॉग पे, यू कैन रीड दैट टू अंडरस्टैंड हाउ SEO ऑडिट इज़ डन। तो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में जैसे मैंने आपको बताया, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, यू नीड टू यूज़ राइट काइंड ऑफ कीवर्ड्स इन योर टाइटल एंड H1 एंड डिस्क्रिप्शन एंड कंटेंट। कंटेंट राइटिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये सभी के लिए इतना आसान नहीं होता, तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप कंटेंट राइटिंग की अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो SEO फ्रेंडली कंटेंट राइटिंग लिख पाओगे, तो आपका पेजेस, आपकी वेबसाइट और अच्छे से रैंक होना शुरू हो जाएगी। तो जब हम बात करें ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन की और वेबसाइट के स्ट्रक्चर की, तो ये सारी चीज़ें ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में आती है, और एक एक करके आपको उसको रिव्यू करना पड़ता है, और उसके बाद वो मॉडिफिकेशन और चेंजेस करने के बाद में आपकी वेबसाइट की रैंकिंग इम्प्रूव हो जाती है। और ये जो प्रोसेस है उसको समय लगता है, यानी आपको क्या करना पड़ेगा। अगर मैं इस वेबसाइट के बारे में बात करूँ, तो दिस वेबसाइट माइट नॉट बी गेटिंग इनफ ट्रैफिक फॉर सर्टेन कीवर्ड्स, तो उसके कॉम्बिनेशन के लिए, तो मैं हर एक पेज को कैटेगरी पेजेस के हिसाब से उसके सही कीवर्ड पहले आइडेंटिफाई करूँगा, उसके बाद में उन कैटेगरी पेजेस को पहले ऑप्टिमाइज करूँगा, उसका ऑन पेज ठीक करूँगा, उसके बाद में उसकी इंटरनल लिंक स्ट्रक्चर ठीक करूँगा, उसका जो प्रोडक्ट पेज है उन प्रोडक्ट पेज को डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें पहले ठीक करूँगा। यानी टेक्निकली जो वेबसाइट है उसको मैं पहले SEO फ्रेंडली बना दूँ, उसका ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कर दूँ। ये चीज़ होने के बाद में आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे कि किस तरह से वेबसाइट की पोजीशन गूगल में इम्प्रूव हो रही है, किस तरह से आपको अभी जो पहले ट्रैफिक आ रहा था उससे ज़्यादा अच्छा ट्रैफिक मिलने लगा है। तो ये था SEO में ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, वेबसाइट का स्ट्रक्चर, और बहुत ही बेसिक वेबसाइट ऑडिट किस तरह से कर सकते हैं, प्लस जो पेज होता है उस पेज के अंदर क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए
और इम्प्रूव करनी चाहिए। तो इस तरह से आप ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो, और ज़्यादातर कंडीशंस में ऑन पेज चीज़ों को अगर आपने ठीक से ऑप्टिमाइज कर दिया तो भी आपकी रैंकिंग अच्छे से इम्प्रूव हो सकती है। सो थैंक यू माई फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड couple of things that I shared with you. If you want to learn search engine optimization, or if you want to learn digital marketing or social media and how you can use digital marketing to grow your business, you can visit www.optron.in and you can register over there. I have search engine optimization simplified करके मेरी एक book मैंने बनाई है, ये book भी आप वहाँ से download कर सकते हो। Apart from that, I also have a set of books which you can purchase from my website. Thank you very much for watching. Have a nice day.